नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपनी बहनों के लिए लेके आई है, जो पूरा दिन किचन में काम करती हैं और किचन में काम करते हुए कभी उनका हाथ कट गया, कभी छिल गया, कभी जल गया, तो ये सब होता रहता है। और इसके लिए हमें बहुत ही आसान सा मैं उपाय लेके आई हूँ। ना डेटॉल चाहिए, ना सेवलन चाहिए और ना ही आपको कोई मतलब क्रीम चाहिए। तो बहुत ही आसान सा है, सबके घरों में है और कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना और कोई आपका निशान जो निशान पड़ जाते हैं तो वो सब भी आपके नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसको ऑल पे आपने प्रेस करना है ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट न्यू वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। ये देखिए दोस्तों, आप कोई भी तरह के पत्ते ले लीजिए जो हमारे घर में होते हैं, हमारे किचन में होते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, तो हर किसी के गर्मियों में तो मिल ही जाते हैं। ये नहीं है, आप धनिया पत्ता ले लीजिए। धनिया पत्ता तो सबके पास होता है, कोई भी पत्ता आपके गमले में लगाओ। ये एलोवेरा पत्ता ले लीजिए, इसका जेल आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का पत्ता हो, बस ये मिर्ची का और नीम का इस तरीके का जो पत्ता होता है उसको छोड़ दें। और जहाँ आपको कट गया है, छिल गया है, ब्लड आ रहा है, रैसेज हो गए हैं, वहाँ सब जगह आप इन पत्तों को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज है, करके देखिएगा, बहुत आराम मिलता है। तो इस तरीके से हम, जहाँ मान लीजिए आपको कहीं कट गया है, तो इस तरीके से थोड़े से पत्ते ले लें और इनको थोड़ा सा क्रश कर लें। आप हाथों के बीच में कर सकते हो, नहीं तो हमारे किचन में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो उससे आप इसको क्रश कर लें। हमें इसका जो जूस होता है वो बाहर निकल जाए, वही वर्क करता है दोस्तों। इस तरीके से देखिए, इसका पानी सा, ये जूस सा जो होता है ये निकल जाता है। उसके बाद जहाँ आपको चोट लगी है, मान लीजिए आपको उंगली पर चोट लगी है, तो वहाँ आपको इसको लगा लेना। ये है सर्जिकल टेप, पेपर टेप है ये, और ये बहुत ही सस्ती सी 10 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी आपको। बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, इसके बहुत सारे यूज है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो इस तरीके से जहाँ भी चोट लगी है आपने वहाँ पे अच्छे से कवर कर देना है। बस ब्लड वाली जो जगह है जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको आपने कवर कर देना है अच्छे से। और उसके बाद आप देखेंगे दर्द गायब हो जाएगा आपका दोस्तों, सच में दर्द नहीं रहेगा, आपका ब्लड बहना बंद हो जाएगा। जो निशान पड़ जाते हैं चोट लगने वाली जगह पे या जलने वाली जगह पे, वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा यूज है, इस तरीके से आप करके देखिए, बहुत ही आसान हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों से हमारी लाइफ, कई बार क्या होता है डेटॉल नहीं मिलती, सेवलॉन नहीं मिलती या बीटाडीन नहीं मिलती, तो इस तरीके से नहीं भी रखिए आप चाहे, इस तरीके से आप कभी भी इन चीज़ों का यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही यूजफुल लगेंगी। और इस तरह के पत्ते आपको घर में मिल ही जाएंगे ये। और एलोवेरा का यूज करने के लिए दोस्तों, आपने इसका जेल निकालना है, तो एलोवेरा का आपने फ्रेश लीफ लेना है दोस्तों, मार्केट का एलोवेरा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस तरीके से आपने इसका जो छिलका है ये उतार के इसका जेल ले लें और जेल को लगा लें। जहाँ पे भी गर्मियों की वजह से कहीं भी किसी तरह के रैसेज हो जाते हैं, तो इस जेल से आपको चमत्कार जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान से टिप्स हैं दोस्तों, अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो सच में इनसे बहुत फ़ायदा होता है और कुछ आपका खर्चा नहीं होता, बहुत ही लाभकारी है। और इतने अच्छे नुस्खे के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।